हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट 6 चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। तो आज का हमारा इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन, यानी कि सोसाइटी में जो पॉलिटिकल और सोशल डिवीजन्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन्स अगर कॉम्बिनेशन होता है इनका, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए काफ़ी डेंजरस एंड एक्सक्लूसिव होता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इलेक्शन कंपटीशन होता है और हर एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी सीट्स वॉन करना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है, इलेक्शन को जीतने के लिए वो सोसाइटी को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर देती है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंसेस के बेस पे वो सोसाइटी को डिवाइड कर देती है। रिलीजन के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड करती है, कास्ट के बेस पे, सेक्ट के बेस पे, रीजन के बेस पे, तो ताकि वो उससे फायदा उठा सके। तो अगर सोशल डिवीजन जो है पॉलिटिकल डिवीजन बन जाता है, तो इससे क्या होता है, कभी कभी ये वायलेंस में, कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता है। लेकिन अक्सर जो है वो पॉलिटिकल जो डिवीजन, जब सोशल डिवीजन जब पॉलिटिकल डिवीजन में जब तब्दील हो जाता है, तो ये कभी कभी कन्फ्लिक्ट में, वायलेंस में तब्दील हो जाता है। और इससे क्या होता है, कभी कभी कंट्री जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकती है। जिस तरह से अगर हमने देखा कि 1947 से पहले इंडिया जो है दो मेजर जो है वो रिलीजन में, जो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन बन जाए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, तो इंडिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। क्लियर। और दूसरी हम एग्जाम्पल जो लेते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन की, वह लेते हैं हम नॉर्थन आयरलैंड की। नॉर्थन आयरलैंड जो है ये एक यूरोप में एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो मेजर जो है दो सेक्ट्स में डिवाइड है। अब रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इसमें जो दो सेक्ट, जो फिरके जो है 53% जो है वो प्रोटेस्टेंट है, जिनको रिप्रेजेंट जो करती है यूनियनिस्ट करती है। और वो जो प्रोटेस्टेंट है ये चाहते हैं कि हम यूके के साथ जाएं, क्योंकि यूके भी एक प्रोटेस्टेंट जो कंट्री है, प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट कंट्री है, और जो नॉर्थन आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट है वो भी यूके के साथ ही जाना चाहते हैं। लेकिन आयरलैंड में 44% जो है वो रोमन कैथोलिक्स हैं, और उनको जो लीड कर रही है, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेशनलिस्ट पार्टीज करती है। लेकिन उनकी डिमांड जो है कि नॉर्थन आयरलैंड जो है वो यूनिफाइड हो, वो आयरलैंड के साथ जाना चाहते हैं, वो कैथोलिक कंट्री जो है आयरलैंड है उसके साथ जाना चाहते हैं, वो यूके के साथ नहीं जाना चाहते। तो इस तरह से एक ही रिलीजन में दो सेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस है, और इससे क्या होता है, कंट्री में जो है वो वायलेंस है, कन्फ्लिक्ट है। तो इस वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट में हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन मर जाते हैं, मिलिटेंट्स जो यूके के साथ जाना चाहते हैं, जो है आयरलैंड के साथ जाना चाहते हैं, उनके दरमियान क्लैश होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस में मारे जाते हैं। तो ये जो फाइट जो थी ये यूनिस्ट एंड लेंस्टरिस्ट के दरमियान थी, तो इसके बेस पे वहाँ पे काफ़ी क्लैशेस थे। लेकिन 1998 में विद द एफर्ट ऑफ यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट, जो किसके साथ, आयरलैंड के साथ जाना चाहते थे, उनके दरमियान एक माहिदा होता है, पीस ट्रीटी होती है। तो इसके बाद जो है ये आर्म जो है वो सस्पेंड होता है, स्ट्रगल कहाँ पे, नॉर्थन आयरलैंड में। लेकिन बट इन सम कंट्री द पोलिटिकल कम्पिटिशन अलॉन्ग रिलीजियस एंड एथनिक में लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन। इसी तरह से अगर किसी कंट्री में जो पोलिटिकल कंडीशन जो है, अगर उसको रिलीजन भी बाद में जोड़ दिया जाए, रिलीजन के बेस पे जो है पोलिटिकल कम्पिटिशन लड़ा जाएगा, जितने भी सोशल डिविजन्स हैं कम्युनिटी, कास्ट, सेक्ट के बारे में अगर कंपटीशन लड़ा जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है। जिस तरह से हम एग्जांपल लेंगे, जैसे योगेश शर्मा जो है वो वहाँ पे जो रिलीजन के बेस पे जो है कंपटीशन चला था, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट लीडर्स होते हैं, उनकी अपनी डिमांड्स होती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अपने लीडर्स होते हैं और उनकी अपनी डिमांड्स होती है। अगर वो डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो अगर ये डिमांड जो है जो फुलफिल नहीं होती है उनके साथ, अगर जो है वो दूसरे जो पार्टीज होंगी या डिफरेंट दूसरी कम्युनिटीज अगर उनके ऊपर डोमिनेट करेंगी, तो कंट्री में जो डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, जिस तरह से योगेश शर्मा जो है वो 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में जो है वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स
डज नॉट लीड टू डिजास्टर। अब सारे जो अगर एक्सप्रेशन जो पॉलिटिकल जो अगर सोशल डिवीजन के बेस पे अगर पॉलिटिक्स को एक्सप्रेस किया जाएगा, ये डिजास्टर हर एक जो है एक्सप्रेशन डिजास्टर क्रिएट नहीं करता है, लेकिन क्योंकि हर एक कंट्री में किसी न किसी तरह से किसी न किसी लेवल से सोशल डिवीजन जो एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे सोशल डिवीजन अफेक्ट द वोटिंग इन मोस्ट, लेकिन होता क्या है जी, सोशल डिवीजन से वोटिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, और जिस पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे लीडर्स होते हैं और वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी में जिस कम्युनिटी का लीडर होगा उसी लीडर को, उसी कम्युनिटी के लीडर को लोग जो प्रेफर करते हैं। मान लो दलित कम्युनिटी का कोई लीडर है तो लोग जो दलित लोग होंगे वो उसी को प्रेफर करेंगे, कोई राजपूत होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई शिया होगा। तो बेसिकली जो ये जो सोशल डिवीजन जो है ये जो वोटिंग को अफेक्ट करती है, क्योंकि मोस्टली जो है हर जो जो वोटर्स होते हैं वो अपने ही जात के, रिलीजन के, कास्ट के, रीजन ये लीडर्स को वोट देना पसंद करते हैं। और क्या होता है, पीपल जो है किसी एक पॉलिटिकल जो मैन जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी उनके फायदे के लिए काम करती हो, जिसमें जिस कम्युनिटी के लीडर जिस पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा हैं तो लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करते हैं। इन मेनी कंट्री देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली वन कम्युनिटी। जिस तरह से किसी भी मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक ही कम्युनिटी को फोकस करती है, उस कम्युनिटी को फोकस करती है जिसमें जो सबसे ज्यादा मेजोरिटीज में हों, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस कम्युनिटी से कोई कैंडिडेट चूज करते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम जो है वहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं। दिस लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। और अगर ऐसा जो मसला होगा तो इससे क्या होता है, कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट हो सकती है, क्योंकि कंट्री जो है वो इसमें डिवीजन आ सकती है, कंट्री जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थ्री डिटरमिनेंट्स। अब ये थ्री डिटरमिनेंट्स क्या है, जो आउटकम जो है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन जो है उसका जो आउटकम जो है जो निकलता है उसके पीछे जो है जो डिसाइड जो करता है उसके पीछे जो जो डिसाइड करने में जो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो थ्री फैक्टर्स होते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन का आउटकम जो है डिसाइड करने में जो मेन थ्री फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या है, पहला फैक्टर है जो है आउटकम डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। अब लोग अपनी आइडेंटिटीज कैसे देखते हैं, क्या वो किसी भी कंट्री को पहले मानते हैं, उसका सिटीजन पहले मानते हैं, या अपनी कम्युनिटी, जैसे एग्जांपल हम देते हैं इंडिया की, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर वो पहले ईसाई खुद पहले मानते हैं, महाराष्ट्री पहले मानते हैं, पंजाबी पहले मानते हैं, हिंदू मुस्लिम पहले मानते हैं और हिंदुस्तानी बाद में मानते हैं, तो अगर ऐसी जो है पीपल अगर सिमिलर आइडेंटिटीज देखते हैं तो ये बहुत मुश्किल है किसी कंट्री में इस डिफरेंस को एकोमोडेट करना। लेकिन अगर हम देखेंगे पीपल जो है वो मल्टीपल जो आइडेंटिटीज देखते हैं कि हाँ हम पंजाबी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन पहले हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर लोग जो है वो मल्टीपल आइडेंटिटीज देखते हैं तो ये आइडेंटिटीज जो है वो एकोमोडेट करना, ऐसे जैसे जो आइडेंटिटीज जो है किसी कंट्री में एकोमोडेट करना बहुत ईजी हो जाती है। दूसरा जो डिटर्मिनेंट जो है, जो फैक्टर जो है, जो आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन का है, कि इट डिपेंड हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स के लीडर्स होते हैं, अब वो गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं, कैसी डिमांड करते हैं। अगर ये डिमांड जो पॉलिटिकल जो लीडर्स की है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लीडर की, अगर ये डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स में है तो इससे कंट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर वो जो डिमांड जो है वो दूसरी कम्युनिटीज के खिलाफ नहीं है, उनके नुकसान पहुंचाने के खिलाफ नहीं है, तो इससे जो आउटकम जो होगा पॉलिटिकल सोशल डिवीजन का ये बेटर होगा। एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट जो है के पास जो है 1 लाख का बजट है और जो हिंदुस्तान में मान लो एग्जांपल जो है 10 सोशल ग्रुप्स हैं, अब वो 10 सोशल ग्रुप जो है एक जो है 1 लाख जो है वो बजट टोटल है, तो उसमें से जो अगर हम देखेंगे फेयर डिवीजन जो है वो 10,000 का आता है, लेकिन एक पॉलिटिकल जो सोशल ग्रुप जो है वो 30,000 या 50,000 जो है डिमांड करता है, तो ताकि वो दूसरे कम्युनिटीज को हार्म करना चाहता है, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इससे क्या होगा, जो सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाएगी, सोसाइटी में डिवीजन होगी, और इससे क्या होगा, जो कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट हो सकती है और डिजास्टर जो है क्रिएट हो सकता है। थर्ड जो है, इट डिपेंड हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स।
अब जो ये जो डिफरेंट लीडर्स जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के जो डिमांड करते हैं, अब गवर्नमेंट जो उनकी डिमांड्स को कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, अगर वो देखती है कि हाँ इनकी डिमांड जेन्युइन डिमांड है, अगर उनको फुलफिल करती है तो इससे जो वायलेंस वगैरह खत्म हो सकता है। लेकिन अगर वो एक ग्रुप की डिमांड को फुलफिल करती है लेकिन दूसरे की जो डिमांड अगर वो किसी दूसरी कम्युनिटी की या सोशल ग्रुप्स के खिलाफ है और उस डिमांड को फुलफिल करती है तो इससे क्या हो सकता है, कंट्री में डिसएग्रीगेशन और डिवाइडेशन हो सकती है। और दूसरा कि जो रूलर्स होता है क्या वो विलिंग है पावर को शेयर करने में, ठीक है, इफ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर रूलर जो है अगर वो विलिंग है कि वो पावर को शेयर करे और जो डिमांड जो माइनॉरिटीज की है उसको एकोमोडेट करे, रीजनेबल तरीके से उसको एकोमोडेट करे, ठीक है, और सोशल डिविजन जो है जो कंट्री के लिए थ्रेट है वो कम हो जाए। एग्जाम्पल जिस तरह से हम देखेंगे जो बेल्जियम में जो है जिस तरह से वहाँ पे 3 कम्युनिटीज के लोग थे जो वहाँ पे ये लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंस था, जर्मन बेल्जियम जर्मन जो है फ्रेंच एंड डच, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है 3 मेन जो लैंग्वेज ग्रुप थे उनमें जो है इक्वल पावर शेयर की, उनके सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर की, लैंग्वेज के बेस पे उनको लैंग्वेज जो है अलग अलग रीजन बना दिए। तो अगर जो रूलिंग पार्टी होती है जो रूलर्स होते हैं अगर वो कंट्री में जो पावर को शेयर करना ये समझते हैं ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन वो भी अपनी डिमांड जो है वो फुलफिल कर सकें, उनकी डिमांड भी फुलफिल हो सके, वो भी पावर में आ सकें और वो भी अपना शेयर जो है अच्छी तरह से ले सकें, तो इससे क्या होगा जो कंट्री में जो थ्रेट्स होती है वो कम हो सकती है। पीपल विलिंगनेस टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी इज नॉट द इजी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है कि जितना हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी जो है इसको एकोमोडेट करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि पीपल हु फेल मार्जिनलाइज डिप्रूड एंड डिस्क्रिमिनेट हैव टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। क्योंकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं इसमें पुअर जो है लोग आते हैं, जो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जो सोशली जो है निगलेक्टेड हैं, वो क्या करते हैं वो इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करना चाहते हैं, फाइट करते हैं, वो अपना हक को मांगना चाहते हैं। सच ए फाइट ऑफन टेक द डेमोक्रेटिक पाथ। लेकिन जो ये मतलब ग्रुप्स हैं ये हमेशा जो है डेमोक्रेटिक पाथ जो है वो यूज़ करते हैं, मीन्स अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। वो अपनी वॉइस जो है उसको डिमांड जो है पीसफुल तरीके से उसको हासिल करना चाहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैनर्स को रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो है क्या करते हैं वो कंपटीशन करना चाहते हैं, वो इलेक्शन में जो है हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि वो भी उनका जो माइनॉरिटीज़ का है या जो माइनर ग्रुप्स का है या जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं अगर वो भी चाहते हैं कि हम भी अगर पुल जो है इलेक्शन में हिस्सा लें, हम भी जो है वो हुकूमत में आ जाएं तो हम भी अपने जो है वो ग्रुप्स को जो है वो उनकी वेलफेयर कर सकें, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर उनकी ये इनइक्वालिटीज़ कंटिन्यू रहे, उनके ऊपर अगर डोमिनेट किया जाए जो रिच कम्युनिटीज़ हैं तो इससे क्या होगा, तो ये जो एक डेमोक्रेटिक वे में जो ये वायलेंस चल रहा था तो ये जो है वो जो है क्या जो है मिलिटेंट वायलेंस में जो तब्दील हो सकता है, ये नॉन वायलेंस जो है वायलेंट में तब्दील हो सकता है अगर उनके ऊपर जो है वो स्ट्रेस किया जाए। हाउएवर हिस्ट्री शो दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे फाइट अगेंस्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड एकोमोडेशन। अब ये देखा गया है कि हिस्ट्री में ये देखा गया कि जो डेमोक्रेसी जो है ये बेस्ट वे है ताकि यहाँ पे हर एक डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, उनकी पहचान की जाती है और जो कंट्री जो होते हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें जो है डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स होते हैं, तो डेमोक्रेसी जो है इन सारे ग्रुप्स को अच्छे से अकोमोडेट करती है जो और कंट्री को एक यूनिफिकेशन के साथ रखती है। थैंक्स। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।